में क्यों बैठी हो? मुझे महाराज से मिलना है। गाड़ी क्यों रोक दी? सरकार, बीच रास्ते में एक बच्ची बैठी है, कहती है मुझे सरकार से मिलना है। हमारे सामने लाओ। बेटी, हमसे कुछ कहना चाहती है? हाँ महाराज, मैं आप ही से मिलने आई हूँ। बहुत दूर से आई हूँ, देखो तो कितनी थक गई हूँ। वो क्या बात है बेटी जो तुम्हें इतनी दूर ले आई, और वो भी हमारी तलाश में? मैं बिल्कुल अकेली हूँ महाराज, इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई नहीं है, माँ बाप बहन भाई कुछ नहीं है। जब मैं बहुत रोने लगी तो किसी ने बताया कि तुम महाराज के पास चली जाओ, वो तुमको अपनी बेटी बना लेंगे। और ये सुनते ही तुम एक लंबे सफर पर रवाना हो गई। हाँ महाराज, अगर आपने मुझे बेटी नहीं बनाया तो जानते हैं क्या होगा, मुझे वापस जाना पड़ेगा और थककर रास्ते में कहीं मर जाऊंगी। ना बेटा, अब तुम्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा, चलो हमारे साथ। इसने अपने महाराज से एक बाप की मोहब्बत मांगी है दीवान जी, और वो राजा ही क्या जो एक नन्ही सी बच्चे को मोहब्बत की भीख देने से झिझक जाए। दीवान जी, आप जा सकते हैं। नाना, मैं हर रोज इसी वक्त यहाँ आकर आपके बुलावे की राह देखूंगी। जगह होती है ये महल है या अस्पताल? है तो महल, थोड़ा सी होगा तो अस्पताल। घोड़ा